यदि आपको स्किन एलर्जी है, स्किन डिजीज़ है और आप कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहते, एलोपैथी की दवाइयाँ ले ले के थक गए हैं, आप आयुर्वेद की भी कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहते, तो आप सिर्फ प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, कुंभक रेचक करें, भ्रामरी करें और आप देखेंगे 10-15 दिनों में आपके शरीर में सुधार होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हैं तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये स्किन एलर्जी आपको लगातार होती रहती है, ब्लड साफ नहीं होता है। तो जब बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर पहुंच जाती है तो ब्लड ऑटोमेटिक सिस्टम से साफ होने लग जाता है और ब्लड प्यूरिफिकेशन की वजह से आपकी स्किन एलर्जी अपने आप स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाती है। दूसरा उपाय है, आप पीपल के पत्तों को, जो कोपल है, उनको चबा चबा कर खाएं। आप नीम के पत्तों को चबा चबा कर खाएं, इससे भी आपको काफ़ी लाभ होता है। आप दूध में चुटकी भर हल्दी की, चुटकी भर हल्दी, एक गिलास दूध में चुटकी भर हल्दी, उसमें दूध में डालने के लिए आप शुगर नहीं डालें, आप गुड़ के साथ पिएं या फिर उसमें मिश्री डालकर पिएं। ये 3-4 उपाय हैं, आप करके देखें, आपकी स्किन एलर्जी जो भी है उसमें फ़ायदा होता है। स्किन पर लगाने के लिए आप घी लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि ये जो एलर्जी है, इस खुजली है, उसमें काफ़ी राहत मिले। प्रथम 3 बार की आप घी लगाएं और उसके बाद में आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं या फिर नारियल का तेल आप यूज कर सकते हैं। नारियल के तेल में एंटी फंगल जो गुण होते हैं वो होते हैं और उसकी वजह से आपको स्किन पे जलन है वो भी नहीं होती। ऐसे ही घी की भी गुणवत्ता, घी जैसे ही नारियल का तेल भी ऐसा ही काम करता है। नमस्कार।